नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता हो कि काना का एक नाम है मस्ती, पर आप कुछ ही लोग जानते होंगे कि एक राजा था, उसका नाम पंडित था। वो इतना अहंकारी था कि वो अपने आप को भगवान मस्ती समझता था, यानी कृष्ण। वो इतना अहंकारी था कि उसके पास अपना एक नकली सृजन चक्र था, अपना नकली हनुमान था और अपने काका के बेटे को बलराम कहता था। अब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि उसको तो डर नहीं था। तो हनुमान जी ने एक दिन कृष्णा को एक कमल का पुष्प दिया जो बहुत सुगंधित था, जो रुक्मणी माता को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये देख के कृष्णा ने कहा कि इससे तो सिर्फ मैं, मेरी तीनों रानियां, मेरी पटरानियां और मेरा भक्त हनुमान ही हाथ लगा सकता है, और कोई नहीं। तो कृष्णा अब जब पौंडर अपने साथियों के साथ अपने कक्ष में चौपट खेल रहा था, कृष्णा ने अपनी लीला से उस कमल पुष्प को उसके महल में भेज दिया। तो पांडव ने उसे हाथ भी लगा लिया और सुन भी लिया। मैंने आपको ये बताया नहीं कि उसे जो भी हाथ लगाता है उसे धन मिलेगा। तो पांडव ने उसे हाथ लगा लिया, उसे सुन लिया और उसके सारे साथियों ने भी हाथ लगा के सुन लिया। अब आप भी समझ गए हो कि साथियों और वो खुद का डर जरूर मिलना ही था। तो पौंडरक अपने नकली हनुमान को भेजता है कि जाओ मेरी रानिया के लिए तुम कुछ फूल लाओ। तो वो नकली हनुमान जाता है और उसी समय असली हनुमान जी उधर ही आते और ऊपर से खुद बंदी बन के पौंडर के महल में जाते हैं और उसे एक और वार्निंग देते हैं, तुम प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ। पर वो एक और वार्निंग भी देते हैं कि तुम इस नाटक को भी खत्म कर दो। तो भी पौंडर कुछ नहीं मानता। तो हनुमान जी उसको समझाते कि तुम भगवान नहीं हो, तुम पूजा के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम इस भगवान वाले नाटक को छोड़ दो। पर पौंडरक तभी भी नहीं मानता। फिर एक महायुद्ध होता है, उसमें कृष्ण और पौंडरक का युद्ध होता है और उसी युद्ध में बलराम जी नकली बलराम को मारते थे और कृष्ण पौंडरक के परम मित्र काशी राज को मारते थे। अब बचा सिर्फ पौंडरक। अब तो मैंने आपको ये भी बता चुकी हूँ कि पौंडरक को भी तो डर मिलना ही था। तो देखते हैं क्या होता है। और कृष्ण पौंडरक की सारी अस्त्र जो उसे अग्नि देवता ने दिए थे उन्हें असफल करते थे और फिर पौंडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतने ही अस्त्र थे और अपना नकली सुदर्शन चक्र चलाते। तो कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र चलाते और उसके सुदर्शन चक्र से तो टुकड़े कर देते हैं और उनका सुदर्शन चक्र आगे बढ़ जाता है और पौंडर का वध हो जाता है। तो देखा आप सभी लोगों ने कि पौंडरक ना अहंकारी था, इसलिए उसे उसका वध हुआ। तो हमें से ये शिक्षा मिलती है कि कभी गलत फहमी में नहीं जाना चाहिए और उल्टा हमें अपने आप को समझना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन करो और डीप ब्रीथिंग करो और ओम। थैंक यू।
कृष्णा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू जय श्री।